कि हम सभी लोग आज ये सारी मस्ती एंटरटेन होने आए, क्योंकि हमारे बीच आज निमित्त की बर्थडे पार्टी में ये प्यारी सी मिकी माउस वाली थी, जिसमें कि नन्ही हीरो की प्यारी सी पिक्चर भी लगी हुई है। सो मैं चाहता हूँ जितने भी गेस्ट यहाँ पर आ चुके हैं, प्लीज आप सभी की एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए बर्थडे बॉय के लिए। जोरदार तालियां एक बार। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले यहाँ पर निमित की मम्मा एंड निमित की डैड। ओ स्माइल भी निमित, सबसे पहले आपको मेरी तरफ से हैप्पी वाला बर्थडे। एंड आज हमारी फैमिली का नन्ना हीरो जिसका हम सभी लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आप सभी ने निमित को थैंक्स कहा कि तुमका बर्थडे कॉन्ग्रेचुलेशन लिए यहाँ बुलाया है, क्योंकि वो आपको थैंक्स कहने वाला है। और मैं चाहता हूँ हमारी फैमिली को ये जो प्यारा सा तोहफा दिया है निमित के मम्मी डैडी ने, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए निमित के मम्मी और डैडी के लिए। मैम आज निमित की बर्थडे में जितने भी गिफ्ट आ रहे हैं उससे ज्यादा हम लोग प्राइज देने वाले हैं, क्योंकि जितने बच्चे हैं आज निमित की बर्थडे में हम सब लोग प्यारे से गेम्स खेलने वाले हैं, और जितने गिफ्ट आप लेकर आए उससे ज्यादा प्राइज मिलेंगे। और जो प्राइज आपको मिलने वाले हैं एक मेरे को वापस होगा, वो किस लिए वो मैं बाद में बताऊंगा। मैम सबसे पहले एक क्वेश्चन है, मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ और सीधे सीधे क्वेश्चन ऑडियंस में जाएगा, हमारे गेस्ट के बीच जाएगा। जो आंसर देगा फर्स्ट प्राइज मैं चाहता हूँ आप लोग के हाथों से किसी को मिले। ओके सो ये क्वेश्चन अभी मैंने एक पार्टी में पूछा था, बहुत जगह आंसर मिला था इसका, बहुत जगह आंसर नहीं मिला था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मैम कॉमन सेंस वाला, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आंसर आपके पास है, क्योंकि मेरे जितने भी क्विज होते हैं बहुत ही सिंपल से होते हैं, आपको माइंड यूज करना है, कोई भी बता सकते हैं। ऐसी क्या चीज है जो किचन में भी पाई जाती है और मेल एंड फीमेल कपड़ों में भी पाई जाती है? जो इसका आंसर देगा एक प्राइज उनके लिए है, छोटे से लेके बड़े बच्चों तक, मैम से लेके सर तक हर कोई आंसर दे सकता है, क्योंकि आज नन्हे निमित का बर्थडे है, हम सभी लोग बच्चे बनकर आए हैं और बच्चों की पार्टी में बहुत सारे प्राइज मैम ने हाथ उठाया। ऐसी क्या चीज है जिसमें जो किचन में भी पाई जाती है और मेले खुशबू और बदबू? No, ये ही गलत आंसर है। अभी ये ऐसी क्या चीज है जो किचन में भी पाई जाती है मेल एंड फीमेल कपड़ों में भी पाई जाती है? चिकन टाइप के कपड़े। ओके चिकन। ओके मैम ये कॉमन सेंस क्वेश्चन है, मैं आंसर तो एक सोच के आया था लेकिन मिल जाते बहुत सारे, कई आंसर होते हैं, लेकिन चिकन में भी थोड़ा सा सही नहीं है। ऐसी एक चीज है जिसका प्रॉपर जो किचन में भी पाई जाती है मेल एंड फीमेल कपड़ों में पाई जाती है? पसीना। हाँ कहीं ना कहीं किचन में बहुत दिन पसीना आ जाता है। अच्छा मैं आपको हिंट दे रहा हूं, वो जो चीज है उसका नाम सेम है, नाम उसका सेम है लेकिन चीज वो डिफरेंट है। ऐसी क्या चीज है? जी मैम फिनाइल गोली आप कपड़ों में लेकर नहीं है तो कहां पाई जाती है? रॉन्ग आंसर मैम, कपड़ों में भी पाई जाती है। आप लोग को सर पता, आप लोग बता सकते हैं ऐसी क्या चीज है? जी सर नहीं नहीं बताइए क्या बोल रहे हैं, बताइए बताइए। कपड़े साफ करने वाला, वो किचन साफ करते हैं कपड़ा। ये रहोगा आंसर। अच्छा चलिए मैं आप लोगों को हिंट दे रहा हूँ, कभी कभी उसमें हम लोग हलवा बनाते हैं। कढ़ाई सही आंसर है? बिल्कुल सही आंसर है कढ़ाई, राइट आंसर। एंड मैम ने सबसे पहले आंसर दिया, प्लीज मैम यहाँ पर आ जाइए। दो लाख तालियां होनी चाहिए, मैम ने अपना माइंड यूज किया मेरे तीन बार हिंट देने पर। मैम क्या नाम है आपका? श्रद्धा। श्रद्धा मैम कॉन्ग्रेचुलेशन, आज निमित के बर्थडे में पहला प्राइज अभी आपको नहीं मिल रहा है, वो इसलिए एक और क्वेश्चन का आंसर देना है आपको, अभी तो आप सिलेक्ट हुए हैं, अभी तो प्राइस नहीं मिलेगा, एक और क्वेश्चन का आंसर देना। अगर बिल्कुल सही दिया तो अगला प्राइज निमित के मम्मी और डैडी के हाथों से आपके लिए, और इसका आंसर कोई और नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा मैम को देना है। ओके मैम कोई और हेल्प भी नहीं करेगा, आपको भी नहीं बताना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम कॉमन सेंस वाला, आपको दिमाग लगाना है। एक लकड़ी का घर है एक बंगला है, दोनों में पैसे वाले लोग रहते हैं। एक लकड़ी का घर है एक बंगला है, दोनों में पैसे वाले लोग रहते हैं, और उसमें बहुत तेज आग लग गई है किसी कारण, उसमें बहुत तेज आग लग गई, तो सबसे पहले आग बुझाने में गाड़ी एम्बुलेंस किसकी आग बुझाएगी? लकड़ी की घर की आग बुझाएगी जो बहुत तेज जल जाते हैं, बंगले की आग बुझाएगी? कोई नहीं बताएगा बंगले की। एम्बुलेंस तो आगे भी बुझाती है, श्रद्धा मैम कह रही बंगले की आग बुझाएगी। प्राइस दिमाग नहीं है एंड श्रद्धा
प्राइज हम देने वाले हैं। वन टू एंड अभी मैंने थ्री नहीं बोला, चीटिंग स्टार्ट। ओके एक बार फिर से कहते हैं। ओके वन टू एंड चीटिंग कर दी, मुझे कौन आने वाला है? आपने चाहे थ्री पर आना है, जो थ्री से पहले आएगा, जो थ्री के बाद आएगा उसको मैं टुमटुम मौसी को लड्डू दूंगा, गिफ्ट दे दूंगा। ओके इतनी कुछ मौसम से निकल जाए। ओके रेडी वन टू एंड थ्री। ये सबसे पहले अब जो बेबी आया सबसे पहले यस, ये छोटे से नन्हे से हमारे शहर जाते रहे हैं। क्या नाम है आपका? शिजीत पांडे। कौन से? शिजीत पांडे। शिजीत पांडे। ओके रेडी म्यूजिक स्टॉप होने पर स्टैच्यू स्टैच्यू कभी बोलता नहीं कभी मिलता नहीं है, सो देखते हैं कौन होने वाला विनर। आप लोग भी आएंगे? रेडी छोटे बच्चों का आगे हारिएगा नहीं, अच्छे से खेलिएगा। और भी कोई बच्चे बच्चा पार्टी पीछे ने बच्चे तो ऐसे शर्मा रहे जैसे शादी हो गई हो। ओके स्टार्ट करते हैं म्यूजिक रेडी थ्री टू वन स्टार्ट। अरे कैसा होता है होता है। कौन मार खाता है? मार तो कोई नहीं खाता, सब बच जाते हैं। अच्छा दोनों बच जाते हैं। ओके लेकिन आज मैं आज निमित के बर्थडे में आप दोनों के बीच झगड़ा कराने वाला हूँ और इस झगड़े में देखना है कौन जीतेगा। यानी कि ये झगड़ा मैं वाला नहीं जैसे कि कॉमेडी नाइट में दादी जी और नानी जी लड़ने लगते उठा पटकी होने लगती, वैसा झगड़ा नहीं। ये झगड़ा है प्यार का झगड़ा कि निमित को बस फन के लिए निमित को सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है, जो जीतेगा वही प्यार करता है, निमित के डैडी या निमित की मम्मा। सो अब थोड़ी सी मैं दूरी बनाने वाला हूँ, आप उधर चले जाइए। यस ये झगड़े में कौन जीतने वाला है? आप अकेले नहीं लड़ेंगे, मैं अकेले कभी नहीं लड़ाता हूँ क्योंकि अकेले जब भी लड़ते वाकई में लड़ाई हो जाती है। भाई देख तो लग रही हूँ जीतने वाली, उधर की पार्टी देख ही रहे हो। हाँ वो तो पर्सनालिटी से नहीं लग रहे अलग मुकाबला करवा रहे हो। लेकिन ऐसे नहीं झगड़ा होगा, मैं अभी और लोग आएंगे झगड़े में साथ देने के लिए, और लोग भी आएंगे, कुछ लोग आपकी टीम में आएंगे मैम, कुछ लोग आपकी टीम में आएंगे, लेकिन मैं उनको भी चांस दूंगा। ऐसे नहीं सिंपल सब, मैं आप सबसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन करने वाला हूँ, जो मेरे क्वेश्चन के आंसर देंगे फैमिली मेंबर हो या गेस्ट हो, बच्चे नहीं आ सकते बड़े ही आएंगे, और जो भी आंसर देगा उनको मौका मिलेगा सर की टीम में आने का या मैम की टीम में आने का, और उसके बाद देखते हैं झगड़े में कौन जीतने वाला है। सो मेरे पास कुछ प्यारे से क्वेश्चन है, आपको शोर मचा के आंसर देना, सर आपको नहीं देना, मैम आपको नहीं देना, आप टीम के कैप्टन है, आप सिलेक्ट हो गए, एक तो अरविंद केजरीवाल एक तो किरण बेदी, ये मान लीजिए झगड़ा है अभी। ओके सो देखना जी हर जगह की कैप्टन, हर जगह कैप्टन है। अच्छी रिकॉर्डिंग कीजिएगा मैम मेरी फोटो आज। ओके सो देखना है कि सबसे ज्यादा राइट आंसर कौन देने वाला। मैम आंसर देना है आपको जो स्टार्ट होगा हिंदी के अक्षर ता से, मैं कोई भी क्वेश्चन आपसे करूंगा वो स्टार्ट होना चाहिए हिंदी के अक्षर ता से, हाथ नहीं उठाना है, शोर मचा के आंसर देना, बच्चों की पार्टी है, जो सबसे पहले आंसर देगा दादी जी नानी जी बुआ जी मासी जी सभी लोग आ सकते हैं, जो सबसे पहले आंसर देगा वो सेलेक्ट होंगे, सर के फ्रेंड्स हैं और फूफा जी हैं बाबा जी हैं सभी लोग आ सकते हैं। ओके सर सबसे पहला है हाथ उठा के आंसर देना, शोर मचाना है, आप लोग भी दीजिएगा रिकॉर्डिंग बाद में छोड़े फोटोग्राफर लगे हुए। सबसे पहला है सास बहु को अक्सर देती है, सबसे पहले मेरी नजर सब पर है लेफ्ट से राइट तक आगे किस पीछे तक, सबसे पहले आंसर दिया मैम आपने सबसे महंगी साड़ी पहने दो। मैम किस टीम में जाएंगे आप? ओके तालियां होनी चाहिए, तालियां बजती रहे आपसे देखिए, इतिहास का झगड़ा है निमित के पोस्ट बर्थडे पार्टी में। एंड नेक्स्ट हम जन्मदिन पर देते हैं, मैम ता से आंसर होना चाहिए, सारे आंसर राइट आंसर मैम आपका।
यस यस आपका प्लीज आइए। किस टीम में आ रहे हैं सर? की टीम में कोई आई नहीं है सर, आपकी टीम में एक ही है। ओके अगला नेक्स्ट समाचार के अंत में बताते हैं। ओहो क्या बात है मैम, मैम वो ब्लैक साड़ी आप किसमें आ सकती हो? पीछे मैम आपने राइट आंसर मैम, आज टेम्परेचर अच्छा है। कैमरे द्वारा हम उतारते हैं सबसे पहले आंसर आपने दिया। यस मैं किसके टीम में जाऊं? चलिए आप उसी टीम जाने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ग्रामर की कोई जरूरत नहीं है इसमें, ग्रामर की कोई जरूरत नहीं है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने हस्बैंड वाइफ है उनके लिए स्पेशली हो जाएगा। मियां बीवी में अक्सर होती है, आप देखिए मैं कितने अच्छे आंसर दे रहे हैं। तकरार आइए आइए प्लीज आइए कम राइट आंसर तकरार। हस्बैंड आए आपके? नहीं आए इसीलिए बोल दिया आप। किस टीम में मैम? कोई नहीं अभी आपकी टीम में आएंगे, कोई कोई फायदा नहीं मैम, टीम में जितने भी मेंबर होते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, बनियों की रोजी और इंसाफ का प्रतीक है। सबसे पहले मैम आपने खाते पीते घर वाली मैम प्लीज आ जाइए। तराजू सही आंसर दिया आपने। मैम इधर आप उससे अकेले आ जाते टीम बराबर हो जाती, कोई बात नहीं है जस्ट मैम जो मैम की जरूरत आई मुझे राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ लोग तो इधर आइए, दादी जी आप लोग भी आंसर दीजिए। अगला है एक हाथ से नहीं बचती, सबने सही दिया कैंसर। किसने दिया था सर? यस आइए मैम, अपनी टीम में बुलाने के लिए मैंने देखा था। मैक्सिमम आंसर आया हाँ, नहीं ताली आंसर दिया था। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट, दिल्ली की प्रसिद्ध इमारत का नाम। दिल्ली की ताजमहल आपने बनवाया? नहीं ताज है मैम आपने। सर जी अरे सर आइए आइए प्लीज कम, मुझे तो सर की जरूरत है यहाँ पर, मैं की टीम में खेलती है, आप लोगों को नहीं पता आप लोग सेलेक्ट है, महिलाएं की टीम में खेलती है, किटी पार्टी में खेलती है। ताश और तंबोला दोनों सही है, दो लोगों ने आंसर सही दिए, एक मैम आपने और एक आपने, प्लीज आ जाइए आइए आइए कम। एंड नेक्स्ट आप लोग किस टीम में रहेंगे घर में? ये तो गलत बात है, अच्छा दोस्ती निभा रहे हैं। हाँ बहुमत कितनी भी हो जाए किरण बेदी की जितना कह रही है। ओके नेक्स्ट, सलमान खान की फिल्म का नाम। ताश यार सलमान खान की फिल्म का नाम आपको नहीं बताना है, आप सिलेक्ट हो लो ओ आ जाओ जाओ आ जाओ जल्दी से तो। अरे अच्छा सॉरी ना आप इस टीम में, अरे आपकी टीम में आ रहे ना कई ऑप्शन पे। ओके नेक्स्ट, धनवानों के घर में होती है, आप लोगों को नहीं बताना है सर, तिजोरी कॉफी पीते हुए आ जाइए आइए इस टीम में सर की इस टीम में आपके आपसे होना चाहिए अलग ही अलग होना चाहिए सभी को मजा आएगा, झगड़ा थोड़ा मजबूत होगा। ओके एंड लास्ट आखिरी है, जो सबसे पहले देंगे उनको चांस मिलेगा। आखिरी है, हिंदू घर के आंगन में लगाते हैं सबसे पहले वो मैम। मैम आप दोनों की टीम बन चुकी है, एक तरफ है निमित के डैडी की टीम और एक तरफ है निमित की मम्मा की टीम, तो देख रहे हैं कौन सी टीम जीतेगी। एक बार अपनी टीम के लिए जोरदार तालियां हो जाए आप सभी। गेम हमारा अब स्टार्ट होगा, सबसे पहला राउंड है मैम, जो भी टीम जीतेगी हम पूरी टीम को प्राइज देने वाले हैं, पूरी टीम को प्राइज मिलेगा। हमारा पहला राउंड है अक्षर राउंड, ओके वैसे यहाँ भी कुछ है लेकिन टीम के साथ पर आप है। तो सबसे पहले आपसे स्टार्ट कर रहे हैं, आपको गाना गाना है अक्षर, 5 सेकंड का टाइम है। आज निमित से बोल रही है ना से ना, 5 सेकंड जल्दी कर बैठे। अरे बाबा रुक, ओ माय डार्लिंग दिल मेरा रुक, दिल मेरा
आप जीते ना पा रहे। अगला राउंड, नेक्स्ट राउंड है, मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ, जो सबसे पहले टीम दोनों को आंसर देना, दोनों टीम को जो सबसे पहले आंसर देगा वो सिलेक्ट होंगे सेकंड राउंड में। एक क्वेश्चन ये है, जल्दी से आंसर देना है, मिलिट का जिस दिन बर्थ हुआ था उन्हें जन्म होता था दिन कौन सा था? फर्स्ट डे फ्राइडे या फर्स्ट डे? अभी भी कंफ्यूजन है तो जल्दी बताइए। अभी आपको जीते नहीं है, आगे जरूर है। अगला राउंड हमारा आखिरी राउंड है और इस राउंड में मैम आप लोग बराबर नहीं, आप लोग जीत भी सकते हैं। नेक्स्ट राउंड में जल्दी जल्दी यस, मैं कोई एक्टर का नाम बताऊंगा, एक एक्टर की 10 मूवीज का नाम बताने। ओके, सबसे पहले आपको बताना है अमिताभ बच्चन जी की 10 मूवी के नाम। इवन इजाब अभी बताना है, अमिताभ बच्चन जी की अभिमान अभिमान काल दीवार कभी खुशी कविता बाबू नो नो टेन जो चाहिए हो जाए गुड चंदा करके आप लोग आगे रहे बारी है। जल्दी जल्दी यस, मैं कोई एक्टर का नाम बताऊंगा, एक एक्टर की 10 मूवीज का नाम बताने। ओके, सबसे पहले आपको बताना है अमिताभ बच्चन जी की 10 मूवी के नाम। इवन इजाब अभी बताना है, अमिताभ बच्चन जी की अभिमान अभिमान दीवार कभी खुशी कविता बाबू नो नो टेन जो चाहिए हो जाए गुड चंदा करके आप लोग आगे रहे बारी आगे। ओके, हमारा फाइनल राउंड है, अभी कोई जीता नहीं, हमारे फाइनल राउंड में डिसाइड होगा सर कौन जीतने वाला। आप लोग आगे चल रहे हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं आपको जीत गए। अब हमारे फाइनल राउंड में हमारे जितने गेस्ट हैं ये बताएंगे कौन है विनर, मैं नहीं बताने वाला हूँ। तो फाइनल राउंड में क्या होगा मैम, आपकी टीम से चार लोग आगे आएंगे, कैप्टन आपको डिसाइड करना है चार कौन आ रहे हैं। सर आपको डिसाइड करना है आपकी टीम से चार लोग कौन आएंगे, आखिरी झगड़ा चार कौन आ रहे हैं, आप चार लोग। ओके, आपकी टीम से 1 2 3 4 ओके, बाकी लोग मैं बाकी लोग इस तरफ आ जाए, आप लोग इस तरफ आए। ओके, आप चार के बीच आखिरी झगड़ा और इस आखिरी झगड़े में देखना कौन जीतने वाला है। मैम आप जिम्मेदारी अपनी टीम को जिताने की, चाहे जो मुझे इनको हराना है आपको भी मैम, चाहे जो मुझे हराना है अपनी टीम को आगे रखना है जिताना है। एंड फाइनल राउंड आप दोनों टीम के बीच में आप अपील अच्छी करेंगे, मुझे पता धमाकेदार अपील होगी आपकी आपकी टीम से। ओके सर, आपको अपील करनी है हमारे सारे गेस्ट से कि ये निमित की डैडी की टीम है, अगर आपको हमारी टीम का डांस अच्छा लगा हो तो हमें जिताने के लिए भी सर वोट कीजिए। कितना आपको बोल रहा है? हेलो एवरीवन, आप लोग बस ग्लैमर को देख के वोट मत कीजिएगा,
लेकिन हम लोगों ने ट्राई बहुत किया है, तो प्लीज 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 वोट फॉर अस, थैंक यू, थैंक यू सो मच। वैसे भी उसके डैडी करें या मम्मी उसको प्यार करें, दोनों से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। इसलिए अगर भैया जीते या भाभी जीते, दोनों मेरे मन में, थैंक यू सो मच। ये तो फिर मिली जुली सरकार है, उनको हटाना पड़ेगा। ओके मैम, आप भी अपील कर दीजिए अपनी टीम के लिए। मैं नीलमित की मम्मी की तरफ से आपसे वोट मांगती हूँ, अगर आपको तो हमारी टीम का परफॉर्मेंस अच्छा लगा हो तो प्लीज प्लीज वोट फॉर अस। मुझे पता था आपकी अपील बहुत अच्छी होगी, बिल्कुल सफलता वाली। ओके, दोनों टीम में से कौन सी टीम जीतने वाली ये देखना है। सो हमारे राइट साइड है निमित की मम्मा डैडी की टीम, एंड लेफ्ट साइड है निमित की मम्मा की टीम। सो मैम आप सबको वोट करने है, मैं चाहता आप ही की वोट के अकॉर्डिंग पता चलेगा कौन सी टीम विनर है। सो वोट करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, ड्यूटी के अकॉर्डिंग वो है निमित की। थैंक यू बोलना अपने आप टीम को देना है, निमित की डैडी की टीम जीती है। दादी की नानी की प्राइज आपके हाथ में जाना चाहिए, जोर से ताली बजा आप लोग आ जाइए। एंड दादी की नानी की प्राइज आपके हाथ में, एक एक प्राइज एंड आपके लिए भी प्राइज पूरी टीम के लिए। Good night.